खबरों के बीच में जो परतें छिपी होती हैं उसमें होती है असली खबर, जिनको एनालाइज कर उसको डिकोड कर हम आपके लिए लेकर आते हैं मिस्टर एनालाइजर। आज जो हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इसमें हम आपके सामने तमाम स्टोरीज नहीं रखने जा रहे हैं। आज हम तीसरे चरण के होने वाले मतदान को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, ताकि आप समझ सकें कि 93 सीटों पर जो मतदान होने वाला है उस मतदान में दरअसल क्या क्या चुनौतियां हैं। इसे समझते हुए आपको यह जानना पड़ेगा कि क्या इस बार जो चुनाव है, जो कि अपने आप में बहुत गर्मा गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसी की वजह से इतनी जबरदस्त रणनीति भी निकल कर आ रही है, क्योंकि इस पूरे मतदान के प्रोसेस में लार्जर देन लाइफ ये चुनाव हो चुका है, और इसे डिकोड करेंगी मेरे साथ मेरी सहयोगी हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर। अदिति, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं तीसरे फेज की। तीसरे फेज का मतदान बहुत महत्वपूर्ण है, उसका एनालिसिस अपने आप में बड़ा जबरदस्त है, लेकिन उससे पहले हम इस बात पर चर्चा करनी पड़ेगी कि अमेठी और रायबरेली पर जो सोचा था उसका बिल्कुल विपरीत तो हो गया। शायद बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्हें इस बात की जानकारी थी कि कांग्रेस रायबरेली से राहुल गांधी को उम्मीदवार के तौर पर आखिरी मिनट पर उतार देगी। ये मतदान 20 मई को होना है, लेकिन पर्चा भरने की आज आखिरी तारीख थी, और आज सुबह सुबह पूरा गांधी परिवार फ्लाइट से पहुंचा और वहां पर मतदान करने की पूरी प्रक्रिया, जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है, उसे पूरी की गई, और उसके आधार पर अब यह तय हो गया है कि रायबरेली से राहुल गांधी ही उम्मीदवार होंगे। हाँ, अमेठी उन्होंने छोड़ दिया। अमेठी को उन्होंने क्यों छोड़ा और रायबरेली को क्यों चुना, इस पर सबसे पहले ये देख लेते हैं अदिति कि उन्होंने कहा क्या है। रायबरेली को चुनने के साथ ही राहुल गांधी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक बात लिखी है जो बड़ी ही भावनात्मक है। उन्होंने लिखा कि रायबरेली से नामांकन मेरे लिए भावुक पल है। मेरी मां ने मुझे बड़े भरोसे के साथ परिवार की कर्म भूमि सौंपी है और उसकी सेवा का मौका दिया है। अमेठी और रायबरेली मेरे लिए अलग अलग नहीं है, दोनों ही मेरा परिवार है, और मुझे खुशी है कि 40 वर्षों से क्षेत्र की सेवा कर रहे किशोरी लाल जी अमेठी से पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। अन्याय के खिलाफ चल रही जंग जो न्याय की जंग है, मैं मेरे अपनों की मोहब्बत और उनके आशीर्वाद के साथ, मुझे विश्वास है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में आप सभी मेरे साथ खड़े रहेंगे। यानी एक भावनात्मक अपील के साथ राहुल गांधी ने यहां अपनी टिप्पणी की है। तो अदिति, सबसे पहले छोटी टिप्पणी आपकी यहां पर, इसका क्या अंदाजा लगाती हैं आप? देखिए, सोची समझे तरीके से ये प्लान किया गया है, और जो बाहर बातें आई हैं वो भी सोच समझ के ही बाहर भेजी गई हैं। ये कांग्रेस, पुरानी वाली कांग्रेस स्टाइल में ये काम किया गया है, और शुरू से था कि सरप्राइज दिया जाएगा, और ये सरप्राइज आ गया। लेकिन एक छोटी बात यह है कि जब राजस्थान से राज्यसभा गई थी सोनिया गांधी, उस समय एक चिट्ठी लिखी थी, ऐसी भावनात्मक चिट्ठी, और वो हर घर पहुंची थी, और उसमें लिखा गया था कि मैं आपसे नाता नहीं तोड़ूंगी। और ये वो पल है जब उन्होंने अपना वादा पूरा किया। राहुल को भी यही कहा था कि मैं वहां पर वादा करके आई हूं और उस वादे को तुम निभाओगे। वही वादा राहुल निभा रहे हैं। तो वादा यहां पर निभाया जा रहा है, लेकिन इसमें एक लाइन है जो मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा आगे करेंगे, और वो ये कि मैं अपनी परिवार की थाती को संभालने के लिए सामने खड़ा हुआ। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसी में गुड़ छिपा हुआ है। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने अपने नामांकन को रायबरेली से किया, जाहिर सी बात है स्मृति ईरानी, जिन्होंने 2019 में अमेठी से राहुल गांधी को 55,000 वोटों से हराया था, उनका स्पष्ट मानना था कि अमेठी छोड़कर राहुल गांधी भाग गए हैं। सिर्फ स्मृति ईरानी ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने जिस कड़े अंदाज में राहुल गांधी के बारे में ये टिप्पणियां की हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ कह जाती हैं। सबसे पहले उनकी टिप्पणियां। उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। क्या अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार
स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो सीधे सीधे राहुल गांधी पर तंज किया, स्मृति ईरानी ने भी गांधी परिवार के नाम के साथ तंज कसा, और हर कोई यही चर्चा कर रहा है। खास करके जब आप भारतीय जनता पार्टी के सर्किट की बात करें तो लोग ये मान रहे हैं कि राहुल गांधी को लग रहा था कि मुकाबला काफी कड़ा है, और इसी वजह से राहुल गांधी ने अमेठी के बजाय रायबरेली को पसंद किया, और वो भी आखिरी मिनट पर कांग्रेस पार्टी ने इस बात की घोषणा की। अब आखिरकार क्या स्थिति है, जरा इसके कुछ तथ्य आपके सामने रख देते हैं। 2009 के बाद से अमेठी में कांग्रेस का वोट शेयर लगातार कम हो रहा था। पिछले चुनाव में के मुकाबले 2014 में जो वोट शेयर वो 25% गिरा, 46.7% था। हालांकि 2014 में राहुल गांधी ने अमेठी से जीत हासिल की थी। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 49.70% वोट शेयर मिला, जबकि राहुल गांधी को 45.90% वोट शेयर मिला। हार के बाद राहुल गांधी ने वायनाड का रुख किया, जहां से उन्हें सांसदी का एक मौका मिला। उन्होंने दोनों सीट से चुनाव लड़ा था, अमेठी हारे, वायनाड जीते, और इस बार 2024 में वायनाड से चुनाव लड़ चुके थे। ऐसी बहुत खबरें आ रही थी कि वायनाड से चुनाव लड़ चुके हैं, वहां की जनता को किसी तरह का धोखा नहीं देना चाहते, उन्हें ठगना या फिर छलना नहीं चाहते, इसलिए राहुल गांधी अमेठी या रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन हम आपके सामने कुछ तथ्य रखते हैं और फिर अदिति और हम इस पर डिस्कशन करके आपके सामने उसकी बारीकियां रखेंगे। सबसे पहले रायबरेली क्यों? रायबरेली इसलिए क्योंकि सबसे पहला गांधी और नेहरू परिवार का पुराना नाता रायबरेली से रहा है। फिरोज गांधी यानी कि राहुल गांधी के दादा यहां पर सांसद थे। इंदिरा गांधी ने भी रायबरेली को अपनी सीट माना। सोनिया गांधी उनकी मां लगातार रायबरेली से चुनाव जीतती आई हैं। स्थानीय लोगों में यह भावनात्मक जुड़ाव है, और अभी अमेठी के मुकाबले गांधी परिवार को यहां पर उतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी नहीं झेलनी पड़ रही है। इसके साथ साथ कैंपेन करने के लिए महज 12 या 15 दिन हैं, इससे ज्यादा कैंपेन करने का मौका नहीं है। और इस सीट पर याद कीजिएगा, प्रियंका गांधी लगातार सोनिया गांधी के कैंपेन को आगे बढ़ाती रही है रायबरेली पर। इसलिए अगर राहुल गांधी खुद वहां पर मौजूद नहीं होते, जो कि होंगे नहीं, उन्हें देशभर में प्रचार करना है, तो उनकी कमान कौन संभालेगा? प्रियंका गांधी। और प्रियंका गांधी को इस बार चुनाव के मैदान में फिर नहीं उतारा गया। अब इसके पीछे भी अलग कहानी है, लेकिन फिर कभी और। तो अदिति, रायबरेली चुन लिया गया, हमारे हिसाब से, जो मेरे हिसाब से था, मैंने अभी सामने बातें रखी कि मुझे लगता है कि इस सीट पर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हो सकता है कि रास्ता आसान हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? देखिए सर, बिंदुवार, पहला सोनिया गांधी यानी माँ का जो प्रॉमिस था उसे राहुल को पूरा करना था। दूसरा, भले ही प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन अगर रायबरेली सीट कांग्रेस के खाते में आती है तो भाई और बहन दोनों ही लोकसभा जाएंगे। ये बात पार्टी के अंदर और परिवार के अंदर तय हो चुकी है। दूसरी बात है कि प्रियंका गांधी का चुनाव पहली बार में नहीं लड़ रहा, वो बहुत सारी वजह है कि वो स्ट्रेटेजिक तरीके से लड़ना चाहती थी, 6 महीने से तैयारी करना चाहती थी, तो एक अलग मुद्दा है। और वो देश भर में प्रचार करना चाहती है, क्योंकि वो मंगलसूत्र के मामले में जब वो मोदी को जवाब देती है तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा पार्टी को लगता है नजर आता है। अब बात है नेशनल पर्सपेक्टिव की। नेशनल पर्सपेक्टिव में एक एंगल, भारतीय जनता पार्टी एक चीज से जूझ रही है, वो है तो नेशनल पार्टी, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये दक्षिण की बात होती है तो उसको लगता है कि हम दक्षिण में भी अगर परचम लहरा लेंगे तो हम पूरे देश की पार्टी होंगे। ये चीज कांग्रेस अभी तक नहीं जूझ रही थी, लेकिन अगर वो रायबरेली और अमेठी से चुनाव नहीं लड़ती तो देश में एक मैसेज जाता कि उत्तर कांग्रेस ने छोड़ दिया है, गांधी परिवार ने छोड़ दिया है, वो दक्षिण की तरफ जा रहे हैं। ये एक बड़ा मैसेज नेशनल पर्सपेक्टिव से वो नहीं देना चाहती थी, वो ये बताना चाहती थी कि हम जितने दक्षिण में हैं उतने ही उत्तर में हैं, हम पूरे देश की पार्टी अभी भी। बिल्कुल आदित्य, इसमें एक लाइन और मैं जोड़ देता हूँ, ऐसी बस संभावना के तौर पर है। जाहिर सी बात है, मतदाता तय करता है कि कौन जीतता है और कौन हारता है, लेकिन फर्ज कीजिए, ऐसा सोचा जाए काल्पनिक तौर पर कि राहुल गांधी रायबरेली जीत लेते हैं, रखना तो एक ही सीट होगा, तो जाहिर सी बात है उसमें प्रेफरेंस क्या है? वायनाड, जो कि उन्होंने बार बार हर मौके पसंद किया है, और उसके बाद रायबरेली पर उपचुनाव होगा। उपचुनाव में नामांकन किसका किया जा सकता है? बहुत ही आसान होगा कि वहां पर प्रियंका गांधी को उतार दिया जाए, जैसा कि अभी आपने कहा। हाँ, बस एक दिक्कत होगी कि गांधी परिवार पर परिवारवाद का लेबल अच्छे तरीके से चिपका दिया जाएगा, लेकिन ऐसा तो भारतीय राजनीति में लगभग हर जगह है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की बाकी सीटों की, जहां पर इस बार मतदान हो रहा है।
संभल में मतदान होना है, हाथरस है, आगरा है, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली, इन सभी सीटों पर मतदान होने जा रहा है। और ये जो सीटें हैं इसके अगर हम वोट शेयर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 2019 में 64 सीटों पर 51.19% वोट शेयर मिला था। कांग्रेस को एक सीट मिली थी 6.41%, बीएसपी और एसपी के साथ साथ आरएलडी का कॉम्बिनेशन था जिसको 15 सीटें मिली थी 39.23%। इसके आधार पर 7 मई को जहां पर मतदान होने जा रहे हैं हमने आपके सामने रखा, वहां पर जो अभी स्थिति बनती दिखाई दे रही है इनमें से भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटें जीती थी और कांग्रेस को यहां पर एक भी सफलता नहीं मिली थी और 2 सीटें समाजवादी पार्टी बीएसपी आरएलडी गठबंधन ने जीती थी। ये 10 सीटें हैं जिन पर मतदान 7 मई को होने जा रहा है। अब यहां पर क्या क्या मसले हैं जो कि सामने हैं, सबसे पहले डबल इंजन की सरकार है, मोदी और योगी की सरकार है जिसे लेकर काफी उत्साह बनाया जा सकता है। राम मंदिर का मुद्दा यहां पर गर्म है, इसमें कोई असर नहीं है। बीएसपी अपने नगण्य भूमिका में है लेकिन अपनी भूमिका को उसने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। समाजवादी पार्टी के लिए ये चुनाव अपने आप में ये जो चरण है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वो बेल्ट है जिसे आमतौर पर MY कॉम्बिनेशन के साथ OBC बहुल कहा जाता है और इस पर इस अगर अच्छा कब्जा समाजवादी पार्टी नहीं कर पाएगी तो फिर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन जब हम ईस्टर्न यूपी की तरफ बढ़ेंगे या फिर हम अवध के बाकी रीजन की तरफ बढ़ेंगे तो वहां कम होता दिखाई देगा। आपको क्या लगता है कि डिंपल यादव इस बार अपना मैनपुरी से कमाल दिखाएंगे? देखिए मैनपुरी की अगर बात जैसे हम कर रहे हैं क्योंकि ये वाला जो बेल्ट है मैं कहना चाहूंगी पहला उत्तर प्रदेश का हर चरण बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो बेल्ट है जहां पर कई कई जगह तो सपा का गढ़ मान रहे हैं लेकिन कई कई जगह सपा ने आज तक इनरोड्स किया ही नहीं है, कांग्रेस की तो बात छोड़ देते हैं लेकिन अब मैनपुरी पे जिक्र कर रहे हैं। मैनपुरी पूरी तरीके से जमीनी काम और जमीनी मुद्दों से ज्यादा जातिगत जो समीकरण है जैसे आपने MY फैक्टर की बात की उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अब जैसे बात करते हैं जयवीर सिंह, उनको उतारा गया है। अब 2019 में मोदी लहर होने के बावजूद भी मुलायम सिंह यादव यहां से चुनाव जीते थे, यानी ये गढ़ वाली सीट है। अब इस बार प्रतिष्ठा की बात है, ऐसी स्थिति में यहां पर 4.5 लाख यादव हैं, 3.5 लाख यहां पर जो शाक्य वोट हैं और इसके अलावा बात करें तो फिर 1.5 लाख ब्राह्मण हैं और अलग अलग तरीके जो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है। तो यहाँ पूरा मुकाबला जो है वो जातिगत समीकरण पर डिपेंड करता है और उसके लिहाज से ये सीट डिपेंड करती है, ज्यादा झुकाव जो है वो सपा की तरफ है। लेकिन जाहिर तौर पर यहाँ पर चुनौती भारतीय जनता पार्टी ने, जयवीर सिंह वो है जो सपा में भी रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, बसपा में भी रह चुके हैं, इसलिए कंटेस्ट अच्छा है लेकिन कहीं ना कहीं झुकाव सपा की तरफ है। बिल्कुल, यहाँ पर अगर जीत भारतीय जनता पार्टी को मिलती है इसमें कोई दो राय नहीं कि इसका सेहरा अगर बंधेगा तो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर। लेकिन एक और सीट है जो इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी कॉन्टेस्ट वाली सीट हो सकती है और वो है बरेली। बरेली से संतोष गंगवार इस बार उम्मीदवार नहीं है, इस बार परिस्थितियां बदली हुई दिखाई दे रही हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बदलाव को बड़ी आसानी या सहजता से आगे ले जा पाएगी? क्या योगी आदित्यनाथ इस सीट पर अपना वर्चस्व दिखा पाएंगे? बरेली जो सीट है ये वैसे तो भारतीय जनता पार्टी मान रही है कि वो निकाल रही है लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो इन फाइटिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि जैसा आपने कहा संतोष गंगवार के जो समर्थक हैं, जो उसके लोग हैं वो इसको एक्सेप्ट अभी तक नहीं कर पाए। कोशिश वहाँ की जा रही है कि मोदी योगी के चेहरे पर और जो काम किए गए हैं उस पर इसको ढका जाए लेकिन यही वजह है, इन फाइटिंग एक बड़ी चुनौती है जो बरेली भाजपा के होते होते यहाँ पर कंटेस्ट शुरू हो चुका है। बिल्कुल, और यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात यह है जातीय आधार पर जो मतदान है और जो जिसके आधार पर वहाँ पर अगर लोकसभा की आप पूरी सीट को देखें तो उस पर संतोष गंगवार या फिर उन्हीं की जात बिरादरी का प्रभुत्व ज़्यादा दिखाई देता है। करीबन 4.5 लाख वोट उनके बिरादरी के हैं और ये बहुत बड़ा मायने रखता है कि क्या ये वोट बैंक संतोष गंगवार के टिकट न दिए जाने को लेकर नाराज होता है या दरअसल आगे बढ़कर मतदान करता है। तो इस बार के चुनाव में एक बड़ा डिफरेंस है अदिति, और वो डिफरेंस जो मैं देख रहा हूँ जिस जातीय आधार पर हिंदुस्तान में मतदान हमेशा होता रहा है वो बीते 10 साल नहीं दिखा, 2 लोकसभा चुनाव में, लेकिन 2024 के लोकसभा के चुनाव में जाति ने न सिर्फ सर उठाया है बल्कि बढ़ चढ़कर बोल भी रहा है।
बिल्कुल सर, उसमें कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सही मायने में 2014 में तो केवल भ्रष्टाचार पर चुनाव हुआ, उसी मतलब जो पोल थीम होती है वो भ्रष्टाचार थी, और 2019 में पोल थीम थी राष्ट्रवाद के घर में घुस के मारेंगे आतंकवाद वाले बात है। इस बार कहीं ना सत्ता पक्ष और ना ही विपक्ष, उनकी कोई पोल थीम नहीं है। विपक्ष कुछ मुद्दा उछाल देता है तो सत्ता पक्ष उस पर जवाब दे देता है, तो एक कोई बड़ी पोल थीम या कह दें मुद्दा यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, इसी वजह से जातिवाद हावी नजर आ रहा है। बिल्कुल, इस पर हम एक बढ़िया डिस्कशन करेंगे जिस दिन मतदान होगा, और उस दिन कॉफी के साथ इस पर लंबी चर्चा भी करेंगे, ज्यादा वक्त होगा। लेकिन आज अभी बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इज्जत दांव पर लगी हुई है, और वो इसलिए क्योंकि मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़, बैतूल, इन सभी सीटों पर मतदान होना है। कुल 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 28 सीटें जीती थी 58% वोट शेयर के साथ। कांग्रेस के पास सिर्फ एक सीट आई थी छिंदवाड़ा की, और 34.5% वोट शेयर था। बीएसपी ने यहां पर 2.5% वोट शेयर हासिल किया था, लेकिन उन्हें कोई सीट नहीं मिली थी। 7 मई को जिन 9 सीटों पर मतदान होने हैं, उनमें से भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस के खाते में कुछ भी नहीं मिला था, बीएसपी को कुछ भी यहां पर नहीं मिला था। अब यहां पर जो इस बार के मतदान है, इसमें जो तीन बड़े दिग्गज हैं उनके नाम पर होने वाला है मतदान। मामा जी को इस बार पता चलेगा कि मुख्यमंत्री न रहते हुए सांसदी पर 2005 के बाद वापस लौटना आसान है या मुश्किल है। उनकी विदिशा की सीट क्या फंसी हुई है, या दरअसल शिवराज सिंह चौहान को यहां पर पूरा आगे बढ़त करने का मौका मिल पा रहा है, क्योंकि उनके बेटे चुनावी सभाओं में हर बार कह रहे हैं कि कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी टूटी नहीं है साहब, बचाकर रखिए, सतर्क रखिए, कांग्रेस उठकर खड़ी हो सकती है। और ये कहना शिवराज सिंह चौहान के लिए या उनके बेटे के द्वारा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। उसके बाद हम बात करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया की। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनका पहला चुनाव है। 2019 में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे थे, यहां से हार मिली थी, और जो जातीय समीकरण है उसके आधार पर उनका काफी विरोध हुआ था। इस बार उनके मुकाबले कांग्रेस ने यादव उम्मीदवार उतारा है, और इस बात की जानकारी बहुत कम लोग सनद कर पाते हैं कि इस सीट पर 2.5 लाख यादव वोट हैं, जो अपने आप में बहुत मायने रखते हैं। इसके साथ साथ दिग्विजय सिंह का चुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के चाणक्य के तौर पर लोग इन्हें जानते रहे हैं। विभाजनकारी नीति को लेकर इनके बारे में हमेशा चर्चा रही है। हिंदू आतंकवाद की एक बहुत बड़ी कहानी के पटकथा के तौर पर ये खुद सामने रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही दिलचस्प फेज होने जा रहा है। ये तीनों नेता अपने आप में अपना अपना दमखम रखते हैं अदिति। बिल्कुल सर, और सबसे बड़ी बात है, वैसे तो हालिया में चुनाव भी जीता है भारतीय जनता पार्टी ने इतने बड़े मैंडेट से, तो इस बार इतनी चिंता होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी क्रिटिकल है, चुनाव चुनाव होता है। सबसे बड़ी बात है कि हमेशा से मध्य प्रदेश में क्या होता है, या तो आप राज परिवार के साथ हैं या राज परिवार के इतर हैं, विरोध में है। लेकिन इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछली बार 2019 में आ रहे थे कांग्रेस की सीट से थे, इस बार भाजपा साथ है। वैसे ही जैसे राजगढ़ का जिक्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजगढ़ वो जगह है जहाँ के राजा है दिग्विजय सिंह, और यहीं की एक विधानसभा से उनके बेटे विधायक हैं। तो जो पिछली बार भोपाल से लड़के हारे थे, वो इस बार राजगढ़ में खुद को बहुत कंफर्टेबल और जीत का के करीब खुद को मान रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो समीकरण बदल रहे हैं, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी भी जिन बयानों का आप जिक्र कर रहे हैं वो देने लगी है, तो यह है कि इस बार का रोचक इसलिए है क्योंकि कांग्रेस जहां ज्यादातर सीटों पर नहीं थी, वहां इस बार वो खुद को थोड़ा कॉन्फिडेंट मान रही है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रेजेंस से भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा है कि राज परिवार उनके साथ है, तो समीकरण बदले। एक चीज मैं समझना चाह रहा हूं दीदी, इस पर आप अपनी जरा बताइएगा पॉलिटिकल समझ क्या कहती है, और खास करके लोग क्या कह रहे हैं। गुना को लेकर अगर देखा जाए तो वो सीट कभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए इसलिए बहुत मुफीद नहीं रही, अगर देखा जाए हिस्टोरिकली, कि वहां पर जो एवरेज वोटर डिस्कंटेंट है वो बहुत जबरदस्त है। जरा सोचिए, आज भी जब आप दिल्ली से ग्वालियर जाते हैं तो यहां से आप सरपट दौड़ते हुए ग्वालियर के बाईपास तक पहुंच जाते हैं, गाड़ी को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगले 45 किलोमीटर गाड़ी चलाकर कोई दिखा दे साहब। ये बात आज तक मैं समझ नहीं पाया। मैंने 2-3 बार ज्योतिरादित्य जी से समझने की कोशिश भी की कि भाई आपके राज्य में पहुंचना इतना मुश्किल क्यों है। ये लोकल मुद्दे खास तौर पे सड़कों पे, और अभी भी हम देख ले, मैं यहाँ से जयपुर जाना चाहूंगी तो मेरे को हाईवे मिल जाएगा, लेकिन आप वही पहुंचेंगे अगर अंदर के गलियों में तो वो आपके लिए दिक्कत है। लेकिन आपने जिसका जिक्र किया वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे लोकल इश्यूज वहाँ अब बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, क्योंकि जातियां बोल रही हैं तो लोकल इश्यूज भी। लेकिन एक छोटी सी बात, ज्योतिरादित्य सिंधिया का मुद्दा यह है कि जितना भारतीय जनता पार्टी को ज्योतिरादित्य सिंधिया की जरूरत है, उतना ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। उसी गुना से वो कांग्रेस से नहीं जीत पाए थे। अब एक इन रोड्स की तो लड़ाई है। तोमर जी को बोल नहीं रहे, निराश होंगे, उनको मौका नहीं मिला है।
तोमर जी यहाँ पर काफी दमखम रखते हैं, उन्होंने इसीलिए एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। पहले मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो केपी फैक्टर है, जिन केपी के सामने वो आमने सामने रहे, जब ऐसा जब वो साथ में आए, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो केपी कभी भी उनका बोर्ड में नाम नहीं लेते थे, पोस्टर में उनको नहीं लगाते थे, यानी साथ में रहते हुए भी इनफाइटिंग है। तो आप सोच लीजिए कि क्या चुनाव में साथ होंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती है। दूसरा, जो अब विधानसभा अध्यक्ष बन गए हैं, वो मुख्यमंत्री की मंशा से लड़ने गए थे, अब वो विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो ऐसी स्थिति में मुरैना और वो इलाका उनका जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में रहना चाहते हैं, तो उनकी भी जो मनोदशा है वो बहुत उत्साहित नहीं है। ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट बिल्कुल। और मध्य प्रदेश के लिए एक और चेतावनी, जो खतरे की घंटी है, वो हम नहीं, खुद गृह मंत्री अमित शाह बजा रहे हैं। मतदान प्रतिशत के लगातार गिरने की वजह से मध्य प्रदेश को लेकर वो काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने यहाँ तक तो कह दिया है कि अगर मंत्रियों के क्षेत्र में मतदान प्रतिशत ना बढ़ा तो मंत्री पद से जाएंगे, जिस विधायक की सीट पर ज़्यादा मतदान हुए वो विधायक मंत्री बन सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए बना हुआ। इसी में एड ऑन छोटी सी बात, ये इतना चिंता का विषय है कि जब राजस्थान का चुनाव हो रहा था तो एक रोड शो में भीड़ नहीं आई, तो जिस तरीके से, जैसा आप कह रहे, चिंता मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को, जो कहा गया है अमित शाह द्वारा उस रोड शो में भीड़ कमाने को लेकर, वो अपने आप में अलार्मिंग है, जिसका इम्पैक्ट आज तक दिखने को मिल रहा है। तो मध्य प्रदेश में भी सेम सिचुएशन है, भीड़ और वोट परसेंटेज कम होता है तो मोहन यादव से लेकर पूरी कैबिनेट पर एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, यहाँ कई समस्याएं हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को अपना परफॉर्मेंस मेंटेन करना 2019 का शायद मध्य प्रदेश में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है इसके बारे में बेहतर जानकारी तो हम 4 जून को ही आपके सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। बात करते हैं बिहार की। बिहार में अभी 5 सीटों पर मतदान है, जर्जरपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुर और खगड़िया। ये 5ों सीटें अपने आप इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें से यादव पॉलिटिक्स की पूरी बू निकल कर आती है और उसकी राजनीति भी आपको बताएंगे उसको। लेकिन सबसे पहले आंकड़े, 40 सीट है बिहार में, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने 39 सीट हासिल की थी 53.25% वोट शेयर के साथ। उस वक्त गठबंधन NDA था जिसमें कि BJP और JDU थी। आज एक बार फिर BJP JDU है, लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ हुई थी। RJD और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी 30.76% के आसपास। लेफ्ट फ्रंट ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी लेकिन कोई सीट नहीं मिली थी। जिन सीटों पर अभी मतदान होना है 7 मई को, उनमें से 5 सीटें NDA ने जीती थी। RJD प्लस कांग्रेस को यहां पर 1 भी सीट हासिल नहीं हुई थी। अब यहां पर क्या खेल है? यहां पर सबसे बड़ा खेल यह है कि इन सभी 5 सीटों पर जो पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग है, उसका वोट बहुत मायने रखता है, खास करके जब आप जज्जरपुर की बात करें, सुपौल की बात करें, अररिया की बात करें। अति पिछड़ा वर्ग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है यहां पर, जिसको हम आम तौर पर मानते रहे, जिससे जैसे ही उसका पैरेलल आप देखें, जो पसमंदा मुसलमान जिसे हम कहते हैं, वो उसी तरीके से जो पिछड़ा वर्ग है उसमें अति पिछड़ा वर्ग है, जैसे कि कोयरी और कुर्मी और यादव को छोड़कर बाकी जितने, जैसे कि माली हो गए, इस तरह की जो छोटी जातियां हैं, जो छोटे उनके जनाधार हैं, छोटी जाति किसी और तर्ज में मैं आपसे नहीं कह रहा था, मैं क्षमा चाहता हूं अगर इस बात की, इस तरह की बात आपको समझ में आई हो, लेकिन जिन जातियों के आबादी बहुत कम है लेकिन वो अपने आप में बहुत मायने रखते हैं, इन जातियों का काफ़ी प्रभाव है। और खास करके जब आप मधेपुरा या फिर खगड़िया की बात करें, तो यहाँ पर यादव और उसके साथ साथ अपर कास्ट वोट दबंगई के नाम पर बहुत यहां पर काम आता है। अब इसमें अगर आप अररिया की बात देखें तो वहां पर भी उम्मीदवारों की हम आपको सामने लिस्ट देख रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मधेपुरा सीट है, और वो इसलिए क्योंकि यादव पॉलिटिक्स का गढ़ यही है, लालू प्रसाद यादव का पारिवारिक सीट जिसे आप कह सकते हैं यही है। लेकिन इस बार यहां पर भी समीकरण कुछ अलग दिखाई दे रहा है। इस बार यादव शायद BJP के पास नहीं, शायद RJD के पास वापस लौट रहा है। क्यों अदिति? 17 महीने बनाम 17 साल, ये एक बड़ी वजह है, क्योंकि राहुल के जो उनके बेटे हैं लालू प्रसाद जी के, वो एक ही बात घर घर जाके कह रहे हैं, खटका खटका की, कि 17 महीनों में मैंने नौकरियां दिलाई हैं, लड़ झगड़ के दिलाई हैं जब मैं उस सरकार में था, डिप्टी CM बतौर तमाम तरीके, लेकिन 17 साल में क्या हुआ? आप लोग को नौकरी नहीं मिली, और ये याद रखिएगा। तो जो सबसे बड़ा एजेंडा है, लोकल इशू यही है, 17 महीने बनाम 17 साल। फिर अब जैसे आपने अररिया और तमाम जो जिक्र किए, ये नेपाल बॉर्डर से आते हैं, इन्फिल्ट्रेशन का मेजर इशू है। लेकिन अगर बॉटम लाइन में इसको खत्म करने से पहले कहूं, भारतीय जनता पार्टी साइलेंटली एक बड़ा खेल खेल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने EBC अपने डायरेक्ट बेनिफिट के तहत EBC और जो ये वोटर हैं दलित वोट, इनको अपनी तरफ लेने की कोशिश की है, और साथ में नीतीश कुमार है जो एनी विच वेज EBC उनके साथ है।
तो भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि इसके तहत वो हो जाए, जैसे 39 के करीब हम पहुंच जाएं। तो अब यहाँ पे दो चीजें हैं, या तो 30 में सिमट जाएंगे या 39 तक आ जाएंगे। ये सारा फैक्टर ईबीसी और दलित वोटों पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। और अगर देखिए सिमटने की बात तो खैर हम करेंगे 4 तारीख को, उस पर पूरी चर्चा करेंगे, या जब एग्जिट पोल आएगा उस पर तब थोड़ी बहुत जानकारी और होगी। लेकिन अभी संघर्ष है, और संघर्ष अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए आज की डेट में ये है कि 2019 की परफॉर्मेंस को एनडीए के साथ वो अपना दोहराती हुई दिखाई दे। 350 प्लस कम से कम उसके पास होने चाहिए, 400 का आंकड़ा भी जो कि उनका लक्ष्य है, उसके बारे में चर्चा हो सकती है। लेकिन अब हम बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक का सीन अपने आप में बड़ा दिलचस्प है, और इसलिए क्योंकि ये आखिरी फेज होगा कर्नाटक का। 14 सीटें बची हुई हैं, उन सभी 14 सीटों पर 7 मई को मतदान होना है। सीटों के नाम आपके सामने अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये पूरी सीटें उत्तरी कर्नाटक की हैं, और यहाँ पर जातीय समीकरण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कैसे ये आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बात, इस पूरे चुनाव में कर्नाटक ने सबसे बड़ी हेडलाइंस खींची हैं, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जब आप कर्नाटक की बात करते हैं तो वैसे ही आपको प्रज्वल की बात आ जाती है, एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा हो जाती है जो कि 2990 वीडियो क्लिप्स के नाम पर चर्चित है। मुझे समझ नहीं आता कि इतने वीडियो क्लिप्स को आदमी बना कैसे सकता है, बट ह्यूमनली इट इज पॉसिबल। और ये जो 6 क्लिप्स हैं, ये अपने आप में बहुत मायने रखते हैं। इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह निकल कर आती है कि जब पहले फेज का दौर जो कर्नाटक का था 14 सीटों पर मतदान के बाद, ये बात निकल कर आती है, प्रज्वल की बात निकल कर आती है, जो कि हासन के मौजूदा सांसद हैं, सिटिंग सांसद हैं, देवगौड़ा जी के पौत्र हैं, पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी के, और उनके पिता एमएलए हैं, सिटिंग एमएलए। इसके बावजूद उनके इन तमाम कार्यकलापों के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं होती। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट उनके पास है, क्योंकि सांसदों के पास ये होता है, ये नियम है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर बिना किसी परमिशन के, बिना एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के किसी जानकारी या नोट के वो जर्मनी चले जाते हैं चुनाव खत्म होने के अगले दिन। और फिर जब ये पूरा स्कैंडल सामने आता है तो कहते हैं हम एक हफ्ते बाद वापस आएंगे। इस बीच में कांग्रेस पूरा गेम खेलती है, कांग्रेस ये कहती है कि पूरा मामला जो है वो सामने है, भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं मुख्यमंत्री, जो कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं सिद्धरमैया, और कहते हैं कि पासपोर्ट कैंसिल कर दीजिए। क्या पासपोर्ट कैंसिल कर देने से उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है? जाहिर सी बात है, ऐसा कर पाने में जो प्रक्रिया लगती है बहुत लंबी है, उससे पहले तो खुद ही आ जाएंगे या फिर उन्हें पकड़ कर लाया जाएगा, जो भी स्थिति बनती दिखाई देती है। सवाल ये है कि क्या चुनावों के मद्देनजर जातीय संघर्ष को अपने कब्जे में करने के लिए इस तरह की घिनौनी राजनीति की जानी चाहिए? यह भारतीय राजनीति के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर स्पष्ट कहा है कि ऐसे किसी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ नहीं खड़ा होने देगा जो किसी भी तरीके से महिलाओं के शोषण से जुड़ा हुआ ऐसा मामला हो। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। जेडीएस की सीट थी, जेडीएस ने उम्मीदवार तय किए, हम सहयोगी हैं, हमें पता चला, हमने इस पर काम कर दिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या आज पता चला सबको, क्योंकि ये तमाम सीडीज, ये तमाम जानकारी 1 साल पहले उपलब्ध थी, किसी को कानोकान खबर नहीं थी। न तो कांग्रेस ने आवाज उठाई, न भारतीय जनता पार्टी ने आवाज उठाई, जेडीएस में तो खैर उम्मीद ही नहीं कर सकते। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है, इसका जवाब 4 जून के बाद शायद बेहतर तरीके से मिल सकता है। 28 सीटें जो हैं कर्नाटक की, उसमें बीजेपी ने 26 सीटें जीती थी 51.38% वोट शेयर के साथ, कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी 31.88% वोट शेयर के साथ, जेडीएस को 1 सीट मिली थी 9.67% वोट शेयर के बाद। अब यहां पर अदिति जो सवाल आता है, जातीय समीकरण जिसके लिए प्रज्वल रजनन के रेवनन का यह पूरा मामला सामने आया, आपको लगता है कि सिर्फ लिंगायत को साधने के लिए प्रज्वल का यह पूरा मामला सामने रखा गया? वैसे भी सर कर्नाटक में ये तो खैर बहुत ही ऐसा मुद्दा है जिस पर भारतीय जनता पार्टी जाहिर तौर पर सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि एक केस अभी जब टिकट वितरण हुआ उत्तर प्रदेश में हो चुका था सबसे पहली लिस्ट में, लेकिन जैसे ही उनका एक वीडियो सामने आया उनकी टिकट काट दी गई। इसके अलावा आप देखिए किस तरीके से मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी ने रिएक्ट किया, फिर देखिए आप पश्चिम बंगाल जाएंगे तो वहां पर किस तरीके से रिएक्ट किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के मुद्दे पे, इस तरह के मुद्दे पर नहीं रहती। लेकिन ये बात सही है कि इसके इतर आप देखेंगे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, यहां पर क्लियरली केस है वोका लिग्गा और लिगायत वोट बैंक, ये क्लियर केस नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी 4 जून के बाद क्या फैसला लेती है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जिस तरीके से ये किया गया, इस पे मौन रहे, अब बोला जा रहा है, ये पूरा का पूरा वोका लिग्गा और लिंगायत वोट बैंक को साधने की रणनीति समझ आ। बिल्कुल। और लिंगायत रणनीति पर बस 2 शब्द, लिंगायत समुदाय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इस 14 सीट में से तकरीबन
आधी से ज्यादा सीटों पर लिंगायत समुदाय का पूरा वर्चस्व है। वोट शेयर के आधार पर देखें तो 17% आबादी लिंगायत है और खास करके उत्तरी कर्नाटक में ये कहीं कहीं 35% के आसपास आ जाता है। लिंगायत में मठों का एक अपना अलग योगदान है और लिंगायत मठ को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से साधा है। और इसके साथ साथ हम येदियुरप्पा को नहीं भूल सकते, जिनको हटाए जाने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा विधानसभा में झेलना पड़ा था, लेकिन अब लोकसभा में उसका फायदा हो सकता है क्योंकि अब येदियुरप्पा पार्टी के प्रमुख के तौर पर वहां काम कर रहे हैं। तो अदिति, ये लिंगायत समाज यही निर्धारित करेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए आर या पार? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से कर्नाटक, जो भारतीय जनता पार्टी का एक फेवरेट दक्षिण का द्वार है, वहां पर जिस तरीके से विधानसभा में हार हुई थी, ये भारतीय जनता पार्टी को समझ आ गया था कि हमारे से क्या गलती हुई, क्योंकि येदियुरप्पा को मंच पे सेंटर में रखने की जगह साइड रखा, वही गलती लिंगायतों ने बता दी। तो आप देख लीजिए लिंगायत समाज ने, तो आप देख लीजिए कि यही फैक्टर है जो डिसाइडिंग फैक्टर है अगर बात करें कर्नाटक चुनाव के लिहाज। बिल्कुल मिस्टर एनालाइजर में आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं लेखा जोखा 93 सीटों का, जो कि 7 मई को जिन पर मतदान होने जा रहा है, ताकि आप इस पूरे वीकेंड पर इस बात की चर्चा करें कि भाई कौन कहां क्या कर रहा है। भाई बहस होती है, बातचीत होती है, मसाला तो चाहिए, खबर अंदर वाली हम देते हैं आपको। तो आप बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जिन सीटों पर मतदान होने जा रहा है वो है शुगर बेल्ट, सबसे महत्वपूर्ण है, रायगढ़, बारामती, उस्मानाबाद, लातूर, शोलापुर, माड़ा, शांगली, सतारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर और हथकरघंडे। इन सभी सीटों को आमतौर पर शुगर बेल्ट के साथ साथ सबसे ज्यादा मुश्किल बेल्ट भी माना जाता है, क्योंकि यहां पर सूखे का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। कुल सीटें 48 हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा प्रदेश जो कि लोकसभा में अपना दमखम रखता है। इसमें पूरा सीटों का गड़बड़झाल है साहब, पिछले बार के आंकड़े का रेफरेंस पॉइंट हम नहीं ले सकते, लेकिन चूंकि वो रेफरेंस पॉइंट है इसलिए आपके सामने रखना पड़ेगा। एनडीए, जिसमें पिछली बार शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी थे, 41 सीट्स, 51.34% वोट शेयर। यूपीए 5 सीटें, 32.07% वोट शेयर, और अन्य के खाते में 11.37% वोट शेयर, और 2 सीटें आई थी। लेकिन इस बार ये सारा यूपी एनडीए जो है गडमड है, 6 पार्टियां हैं इसमें, 3 एक तरफ हैं, उसके बारे में हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। 7 मई को जो मतदान होने जा रहा है उसमें 9 सीटें एनडीए के पास थी 2019 में, 2 सीटों पर यूपीए आगे थी और उसने अपनी पकड़ बनाई हुई थी। इस बार क्या होने जा रहा है, इस बार और कुछ हो या ना हो यह तय हो जाएगा कि शरद पवार नंबर 1 है या अजीत पवार नंबर 1 है। और वो इसलिए क्योंकि शरद पवार की तरफ से उनकी पुत्री सुप्रिया सुले मैदान में है और अजीत पवार की पत्नी मैदान में है। लड़ाई जेठानी वर्सेस देवरानी, जो भी आप कह लें, जो भी रिश्तों का दौर होता है, आई थिंक अदिति आप बेहतर बेहतर समझ सकती हैं, मैं थोड़ा सा इसमें कमज़ोर हूँ। लेकिन ये जो लड़ाई है अपने आप इसलिए बहुत दिलचस्प है क्योंकि शरद पवार ने इस पूरे इलाके में, खास करके बारामती में, पोल मैनेजमेंट नहीं किया एक लंबे समय से। लोग उनका सिक्का जानते हैं, परचम जानते हैं, लेकिन जमीन पर काम अजीत पवार करते हैं। अब अजीत पवार अपने लिए, यानी कि अपनी पत्नी के लिए काम कर रहे हैं। शरद पवार क्या इसका फायदा उठा पाएंगे, क्या शरद पवार के लॉयलिस्ट उनके साथ खड़े रहेंगे, या दरअसल सत्ता में अजीत पवार हैं और अजीत पवार के साथ सब लोग जाते हुए दिखाई देंगे, ये बहुत ही बड़ी बात यहां पर दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि इस बार का मुकाबला उद्धव ठाकरे वर्सेस एकनाथ शिंदे का भी होने जा रहा है, क्योंकि शिवसेना को लेकर इस बार दो फाड़ है, दोनों की स्थिति अलग अलग है। और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात मुझे वहां के कई स्थानीय लोगों ने बताई है, इस बार मुस्लिम वोट बैंक बड़े पैमाने पर शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास जाने को तैयार है। देखिए, इसी को कहते हैं राजनीति में असंभव भी संभव है। कहां कोई मुसलमान शिवसेना को कभी वोट करने को ना तैयार होता था, बाला साहब ठाकरे के नाम से ही वो लोग बस अलग हो जाते थे। लेकिन आज बिल्कुल अलग स्थिति है। आज एनडीए के खिलाफ शिवसेना उद्धव ठाकरे हैं और बड़े नेता के तौर पर उभर रहे हैं और उन्हें मुंबई में भी मुसलमानों का बड़ा समर्थन मिलने जा रहा है, ऐसा लोग मान रहे हैं। और अगर ये बात सही निकलती है तो वाकई में महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा डायनेमिक शिफ्ट होने जा रहा है। इसके साथ साथ इसे हम शुगर बेल्ट के तौर पर जाते हैं, कोऑपरेटिव मूवमेंट, खास करके चीनी क्षेत्र में यहीं पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, और कोऑपरेटिव मूवमेंट के साथ साथ कोऑपरेटिव पैसा भी ज़बरदस्त है। इस क्षेत्र ने जितना पैसा राजस्व के तौर पर देश के लिए कमाया, उतने ही यहाँ पर अमीर लोग भी हैं और उतनी ही भयानक गरीबी और अकाल पीड़ित क्षेत्र भी ये है। तो अदिति, इससे ज़्यादा भयानक स्थिति और नहीं हो सकती।
यू सेड इट ऑल, आपने बहुत ब्यूटीफुली समझा दिया लड़ाई क्या है, पर जिस वजह से ये जो पश्चिम वाला इलाका है, पश्चिम में ही पवार्स का पावर है, इसी वजह से उनको लाया गया था अजीत पवार को, इसी वजह से लड़ाई थी, इसी वजह से सब कुछ छुरा हुआ। तो दरअसल बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने आज के लिए जो 3-4 साल पहले सोच लिया था, उसी का नतीजा आने बाकी है, पर ये रेफरेंस बुक रहेगी हमेशा जो पिछले 5 साल में हुआ। देखिए, शिवसेना जो है अपनी खोई हुई इज्जत, कौन सी वाली, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना अपनी खोई हुई इज्जत पाना चाहती है। वो लोकसभा से ज्यादा आय कर रही है विधानसभा चुनाव, वो इंतजार कर रही है कि अगले 8-10 महीने में बस मुझे विधानसभा वापस लेना है, वो उसकी तैयारी कर रही है, लेकिन उसके लिए ये एक पड़ाव है जो उसको पार करना है। तो वो शक्ति प्रदर्शन वहां हो रहा है कि दोनों में किसकी ताकत है। और ठीक वैसे ही जैसे आपने कहा, देरानी जेठानी की जगह भाभी ननद के बीच में आज यहाँ पर फैसला है। इसी को मैं कहता हूं, कई बार हम जैसे लोग नहीं समझ पाते रिश्तों के जो डोर होते हैं। बिल्कुल, और फिर भी बियॉन्ड कर्टन्स, मतलब बिहाइंड द कर्टन्स आई वुड से कि चाचा भतीजे के अच्छे संबंध है, लेकिन क्योंकि यहाँ तो पावर की लड़ाई है, ऐसी स्थिति में पश्चिम महाराष्ट्र में किसका पावर ज्यादा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार को लाई ही पश्चिम महाराष्ट्र को साधने के लिए थी। तो ये पूरा जो चुनाव होगा 4 तारीख को, मुझे लगता है आपसे सबसे ज्यादा हम महाराष्ट्र पे ही बात कर रहे होंगे, क्योंकि ये रेफरेंस बुक की तरह काम। नहीं, और मुझे एक सीट पर बहुत चर्चा करनी है, और वो है नारायण राणे की सीट, रत्नागिरी वाली। ये सीट अपने यहाँ पर बड़ी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर शिवसेना और नारायण राणे के बीच में मुकाबला जबरदस्त होने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अब चर्चा करते हैं गुजरात की। गुजरात की सभी 26 सीटों पर मतदान 7 मई को होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का गृह क्षेत्र, दोनों की इज्जत यहां पर दांव पर, इसलिए क्योंकि थर्ड टाइम रिपीट परफॉर्मेंस नहीं, ट्राइपाइट परफॉर्मेंस कहेंगे, क्योंकि इसका कोई शब्द नहीं, इसलिए मैंने ऐसे कुछ गढ़ दिया अभी आपके सामने, लेकिन रिपीट से भी ऊपर है, थर्ड टाइम डन। अगर 26 की 26 सीटें जैसा कि 2014 और 19 में देखने को मिला था भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए, तो ये अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा और देखने योग्य होगा। यहाँ पर जो वोट शेयर है वो जबरदस्त है। भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से इतिहास रच दिया था, 26 सीटें जीती, 62.21% वोट शेयर था। कांग्रेस को सीटें नहीं मिली, लेकिन 32.11% वोट शेयर था। इस बार तो कांग्रेस को यह देखना पड़ेगा कि 30% का अपना वोट शेयर वो मेंटेन कर पाते हैं या दरअसल उससे भी नीचे गिर जाते हैं। बहुत मुकाबला जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि अमित शाह ने स्पष्ट कहा है कि इस बार हमको ये देखना है कि 2 लाख से ज्यादा मार्जिन की सीटें कितनी आ रही गुजरात में। अब जब आप इस तरह के कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं, और एक सीट आप पहले से जीत कर बैठे हुए हैं, क्योंकि सूरत की सीट तो जीत हो गई, तो कोई प्रत्याशी नहीं था सामने, तो ऐसे में तो उम्मीदें और परवान चढ़ती हैं। माना जा रहा है कि जो टारगेट दिया गया है कि कम से कम 26 में से 18 सीटों पर 2 लाख से ज्यादा के मार्जिन से जीतना चाहिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। एक छोटी यहां पर दिक्कत आई थी, समस्या, राजपूत समाज यहां पर केंद्रीय मंत्री रूपाला की वजह से थोड़े नाराज चल रहे थे, लेकिन ऐसा देखने को मिला है, ऐसा भी जैसा होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही पहुंचते हैं मामले अपने आप सुलझ जाते हैं। 50 से ज्यादा राजपूत समाज के बड़े नेता और राज्य परिवार के लोग पहुंचे, प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की। अब ऐसा लगता है कि सब कुछ हैप्पी गो लक्की है। राजनीति 26 में से 26, अक्सर होता है कि बाईपोलर इलेक्शन है, मल्टीपोलर इलेक्शन है, यहाँ तो यूनिपोलर इलेक्शन है। हालांकि फिर भी भारतीय जनता पार्टी आपने एक लाइन में सब कुछ कह दिया तो फिर भी चुनौतियां हैं, तमाम चीजें, चुनौतियों को सब कुछ समेट लिया गया है, क्योंकि गुजरात के तो बेटे हैं नरेंद्र मोदी, और बेटा जब वहां जाता है तो सब कुछ सही हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन एक सीट है जिस पर हम सबकी नजर होगी, और वो है गांधीनगर सीट। इस सीट से जरा आप सोचिए, देश को 2 गृह मंत्री इस सीट से मिले हैं। लालकृष्ण आडवाणी की ये सीट एक लंबे अरसे तक रही, लालकृष्ण आडवाणी देश के गृहमंत्री रहे, अमित शाह ने 2 बार से यहाँ पर चुनाव जीत कर आ रहे हैं और गृहमंत्री देश के आज हैं। अमित शाह की सीट से कांग्रेस के मुकाबले में एक आर्किटेक्ट खड़ी हैं, जो कि दरअसल मुंबई का इंचार्ज हैं, लेकिन वो देख रही हैं गुजरात के मामले को भी, उन्हें टिकट दिया गया है। अभी ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है या क्या कहें, इसके बारे में कहना जरा अभी उचित नहीं होगा, इस पर हम 4 जून को बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस सीट पर इस बार कांटी की टक्कर इस बार की है कि 2 लाख से बढ़कर और कितना बड़ा मार्जिन, ये माना जा रहा है कि गांधीनगर की सीट पर इस बार एक अप्रत्याशित मार्जिन देखने को मिलेगा। हम सब इसका इंतजार कर रहे हैं। अब बात करते हैं, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि समय जरा कम है अदिति, हम सीधे चल रहे हैं बंगाल पे, क्योंकि बंगाल की चर्चा बहुत जबरदस्त है और यहां पर आपकी दिलचस्पी भी हम समझ सकते हैं। बंगाल में इस बार जो सीटें हैं जिस पर मतदान हो रहा है, मालदा उत्तर, मुर्शिदाबाद, मालदा दक्षिण और जंगीपुर, ये सभी सीटें आप अगर ध्यान दें तो ये सभी सीटें 40% से ज्यादा मुसलमान आबादी वाली सीटें हैं। मुर्शिदाबाद में तो 70% मुसलमान आबादी है साहब, लेकिन
2019 में यहां पर बदलाव देखने को मिला था। टीएमसी को 2 सीटें मिली थी, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट गई थी और कांग्रेस के पास 1 सीट आई थी जो कि मौजूदा लीडर ऑफ ऑपोजिशन कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी की सीट है। इस बार जो मतदान होने जा रहा है उसमें कई मुद्दे सामने हैं, जैसे कि संदेश खाली का मुद्दा बड़े पैमाने पर सामने है, 25,000 जो नौकरियां दी गई उनके गैर कानूनी तरीके से अमलीजामा पहनाए जाने को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणियां सामने हैं, और अब ये भी ताज़ा राज्यपाल बोस के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत। ऐसा लग रहा है कि प्रज्वल का मामला जो है वो घूमते फिरते बंगाल तक पहुंच गया। दीदी बिल्कुल, लेकिन क्योंकि समय कम है, मैं पहले ही समझ गई इसलिए मुझे संक्षिप्त में देना है, लेकिन मुझे बड़ा ही हमने बचा के रखा था, अभी आप आराम से बात कीजिए। तो एम फैक्टर जो है पश्चिम बंगाल का, वैसे भी पश्चिम बंगाल एक बार लाल सलाम कहा जाता था, एक बार ममता बनर्जी लेफ्ट का अभेदगढ़ कहा जाता था, ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर थी, उनका भी हमने हाई पीक देखा है और अब भारतीय जनता पार्टी भगवा पीक भी देखने में मिलता है, तो बहुत रोचक है। पर रोचक क्या है? रोचक है एम फैक्टर, ममता बनर्जी का मैसिव मैंडेट लेने के लिए महिला मुस्लिम फैक्टर और मोदी का मैसिव मैंडेट लेने के लिए महिला फैक्टर। ये जो एम फैक्टर है बड़ा रोचक है, इसके साथ साथ भ्रष्टाचार भी। तो देखिए सबसे सिंपल बात है कि हम यहाँ की बात करेंगे, मध्य बंगाल की बात है, यहाँ पर 25% अगर ओवरऑल देखा जाए मुस्लिम है तो बहुत अच्छा फैक्टर है महिला। लेकिन अगर जल्दी बात करें तो बात यह है कि ममता बनर्जी अपने पश्चिम बंगाल में टॉलेस्ट लीडर हैं, नरेंद्र मोदी पूरे देश में टॉलेस्ट लीडर हैं, कोई इर्द गिर्द नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये फाइट आमने सामने की है, ये चुनाव भी बाइपोलर है, कोई यहाँ पे लेफ्ट नहीं है, कोई कांग्रेस नहीं है, बहुत मार्जिनल है। ऐसी स्थिति में महिला और मुस्लिम ही डिसाइड करने वाले हैं। लेकिन संदेश खाली के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो सेंधमारी करी है महिला वोट बैंक में वो अप्रत्याशित है और भारतीय जनता पार्टी उस पर डिपेंडेंट है। इसीलिए ममता बनर्जी ने जवाब में जो वहाँ पे एक महिला लक्ष्मी करके जो वहाँ पर एक लक्ष्मी योजना है, जब वोट करने जाएंगी महिलाएं उससे पहले उनको वो 500 से बढ़ाकर 1,000 रुपए दे दिए जाएंगे। तो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। बस यहाँ पे एक चीज और देखनी पड़ेगी हमें कि रिवर्स पोलराइजेशन किस तरीके से होता है, इसलिए विस्तृत चर्चा हम 7 मई को करेंगे जब मतदान हो चुके होंगे और हम बैठकर कॉफी पर डिस्कशन कर रहे होंगे। बस जल्दी जल्दी असम और उसके साथ साथ हम छत्तीसगढ़ की भी चर्चा करते चलें। असम की 4 सीटें जो बची हुई हैं उस पर भी मतदान होना है, कोकराझार, गोबरी, बारापेट और गुवाहाटी। इस पर जो भारतीय जनता पार्टी है उनके पास असम में पूरे 9 सीट हैं 14 में से, 36.05% वहाँ पर वोट परसेंटेज था। कांग्रेस के पास भी स्थिति वही थी, लेकिन असम के बारे में एक बहुत बड़ी बात हम आपको यहाँ पर बता देना चाहते हैं। असम की राजनीति में मूलभूत परिवर्तन आ चुका है। हेमंत विश्वास शर्मा ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का परचम असम में गाड़ दिया है, इसके बाद ये कहना बहुत ही मुश्किल हो गया है कि क्या भारतीय जनता पार्टी यहां पर 10 सीट के नीचे आएगी। वो इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि एक जो पोलराइजेशन का जो एक एक्सट्रीम एंड आप देखते हैं, जो आप अभी तक गुजरात में, मध्य प्रदेश में देख रहे थे, वो आज असम में है और यहां पर पहले से ही पोलराइजेशन का एक बहुत बड़ा पेड़ है और वो पेड़ था बांग्लादेशी इमिग्रेशन। उसकी वजह से जो इलीगल इमिग्रेशन है उसकी वजह से असम में लोग पहले ही से बहुत अग्रेसिव रहते हैं और वहां पर जब हिंदुत्व का कार्ड बड़े पैमाने पर सामने आता है, और उसमें एक और चीज है, आप जरा सोचिए, मेरे कुछ मित्र बता रहे थे अजमल साहब जो हैं वो जब पहले चुनावी यात्राओं पर निकला करते थे 2019 में भी, तो वो अपने साथ एक पवित्र जल लेकर चलते थे और लोगों पर छिड़क कर कहते थे इससे तुम्हारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। हेमंत विश्वास शर्मा ने इस बार एक कानून पारित करा दिया है कि आप इस तरह की कोई खरबिरवा दवा वाली, कोई भी मैजिक वाली बात अगर करते हैं तो आपको जेल हो जाएगी। अजमल साहब का पवित्र जल गायब है। ये अपने आप में अदिति कहता है कि कहां कहां कौन कौन सी चोट पहुंचने वाली है असम पर और छत्तीसगढ़ पर। आपकी एक छोटी सी टिप्पणी। सर असम क्योंकि मैं वहां होकर आई तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो जाहिर तौर पे हम 4 तारीख को बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं साड़ी की दुकान तमाम जगह गई, तो बहुत मतलब बहुत ही मैजिकल चीजें हैं वहां पर। आपने सही कहा, विश्व जो मुख्यमंत्री हैं, पोलराइजेशन है, लेकिन कई ऐसे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं जहां पर जब वो हेलीकॉप्टर से उतरे तो वहां पर जिस तरीके की चैंटिंग हुई, जिस तरीके का उत्साह था, वो अपने आप में देखने योग्य था। तो ये खुद मुख्यमंत्री का मैजिक है और इसीलिए शायद असम के साथ साथ 7 सिस्टर्स दिल्ली ने उनके ऊपर छोड़ दी है कि ये आप सवाल। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर देखा जाए छत्तीसगढ़ के बारे में हम चर्चा इसलिए नहीं कर पा रहे अभी कि हमारे पास वक्त जरा कम है, लेकिन छत्तीसगढ़ की स्थिति भी इस बार काफी कांटे का मुकाबला 2 सीटों पर होता दिखाई दे रहा है अगर हम पूरे सभी सीटों की बात करें तो। लेकिन छत्तीसगढ़ में इस बार जो मतदान प्रतिशत है उसे लेकर बातें हो रही हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से केंद्रीय सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के नकेल कसी है
और बीते अगर आप दो महीने में देखें तो 20 से ज्यादा नक्सलियों को या तो गिरफ्तार किया गया है या बड़ी संख्या में उन्हें मौत के घाट उतारा गया है सुरक्षा बलों के द्वारा। यह बताता है कि मतदान को सुनिश्चित करने में इस बार केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ में और खास करके नक्सली बेल्ट में बहुत प्रभावशाली रही है और ये छत्तीसगढ़ के लिए एक खुशखबरी लेकर आ सकता है। क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में इस बार जो आमतौर पर रहता है दो सीटें इसके पास, नौ सीटें इसके पास, यही खेल होने वाला है कांग्रेस के लिए? इस बार उसने प्रयोग किया है, 25 साल बाद एक राज परिवार से महिला को उतारा है, जो पहले कई बार उनके पिताजी चुनाव भी लड़ चुके हैं और जब मध्य प्रदेश विभाजन नहीं हुआ था तब वहां के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो एक वो उनके लिए एक नया फैक्टर है, इससे छत्तीसगढ़ में वो एक्साइटेड है। लेकिन इन सारे चुनाव में अजय सर एक बात बॉटम लाइन है, सक्सेस इज द ओनली सर्वाइवल इन पॉलिटिक्स, उसके लिए सब कुछ होगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि ये चुनाव अपने आप में बड़ा दिलचस्प है,